हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर टू, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आप सभी को अच्छे से याद होगा कि नाइन्थ क्लास में भी सेकंड चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स ही है। तो नाइन्थ क्लास में जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था, उसी का एडवांस लेवल अब हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि नाइन्थ क्लास में सेकंड चैप्टर के अंदर जो बातें हमने सीखी थी, जो पॉइंट्स हमने सीखे थे, उसका यूज़ अब यहाँ इस चैप्टर के अंदर हमें करना होगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म होती हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि 5x+1 या x^7 + 2x^4 -5, ये सभी क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें एक से ज़्यादा टर्म है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल हैं। तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे कि 5x, 1, x^7, 2x^4 and 5, ये सभी क्या है, इन सभी को हम बोलते हैं टर्म्स। और टर्म्स को हमेशा प्लस और माइनस के साइन से ही सेपरेट किया जाता है। इसमें जो हम एक्स का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वेरिएबल। इससे अलग जो हमारे नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 या -5, इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। और जब एक नंबर किसी वेरिएबल के आगे लिखा जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने लिखा है 5x, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो 5 है वो एक्स का एक कोफिशेंट है। इस टर्म में एक्स के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ कि x^7 का जो कोफिशेंट है वो 1 होगा। अगर कोई नंबर कोई कोफिशेंट नहीं लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर कोफिशेंट 1 मानोगे। इसी तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x^4 का जो कोफिशेंट है वो 2 होगा। जबकि जो केवल 1 और 5 है, इनके पास कोई वेरिएबल नहीं लिखा हुआ था, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। और किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, उस हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल में एक्स की कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर हम एक्स की पावर 1 मानेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 है। वहीं सेकंड पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो है 7। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 7। अब पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एट्सेट्रा। यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल 1 टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर वहाँ 2 टर्म्स हैं तो हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल। अगर वहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। और हम पॉलिनोमियल को उनकी डिग्री के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि डिग्री के बेसिस पर सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम उसको कहेंगे जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3x+5 में x^1 है, x-2/11 में भी x^1 है, 2/3u+1 में भी जो वेरिएबल u है उसकी पावर 1 है। अभी आपको बताया था कि वेरिएबल के ऊपर कोई पावर अगर मेंशन नहीं की है तो भी उसका मतलब ये होता है कि उसकी पावर 1 है। तो क्योंकि इन सभी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की पावर 1 है, यानी कि इन सभी की डिग्री अगर 1 है, तो हम ये कहेंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके बाद इसी में सेकंड टाइप आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफडिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2x^2 + 3x-5। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 2, यानी कि उसकी जो डिग्री है वो 2 है। इसी तरह से सेकंड पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है y, उसकी पावर 2, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसके बाद इसी में थर्ड टाइप आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाए,
A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. For example, 3x cube minus 2x square plus x minus 1. यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 3. दैट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो 3 होगी. देन 2 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पर भी जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 3, यानी कि इसकी भी जो डिग्री है वो 3 है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोलिनोमियल हैं वो क्यूबिक पोलिनोमियल होंगे. यानी कि 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को लीनियर, 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक, एंड 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे. इसके बाद हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल. वैसे तो ये भी हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था, लेकिन फिर से आपको मैं रिमाइंड करवाता हूँ. A zero of polynomial Px is A such that Pa equals to 0. कि हम किसी भी polynomial में A को 0 कहेंगे. A को 0 कब कहेंगे? अगर उस A को हम polynomial में x की जगह पुट करें, यानी कि x की जगह पर अगर हम a को पुट कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा pa. और a को पुट करने के बाद अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 है. यानी कि किसी भी नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर उसकी वैल्यू 0 बन जाए, किसी भी नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है. एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ले सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5. अब अगर यहाँ इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह पर 5 पुट करते हैं तो आप ये देख सकते हो कि इस x की जगह पर 5 पुट करने के बाद ये बन जाएगा 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 इक्वल होता है 0 के. यानी कि इस पॉलिनोमियल में जब हमने 5 को पुट किया तो 5 को इस पॉलिनोमियल में पुट करने से इसकी जो वैल्यू है वो 0 बन गई. द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 5 इज 0. दैट मीन्स वी कैन से 5 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये नंबर 5 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा. और ये चीज़ हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उसमें उतने ही जीरोस भी होंगे. यानी कि अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को हम फाइंड करें तो वहाँ पर हमें केवल 1 जीरोस ही मिलेगा. अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करते हैं तो वहाँ पर हमें 2 जीरोस मिलेंगे. अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के जीरोस अगर फाइंड करें तो उसमें हमें 3 जीरोस मिलेंगे. एक्सरसाइज 2.1. द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू पी एक्स. यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है. फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, पी एक्स पॉलिनोमियल्स हैं और उनको ग्राफिकली यहाँ पर शो किया गया है. हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस. अभी मैंने आपको बताया कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके जीरोस भी उतने ही होंगे, लेकिन ग्राफ को देखकर हम ये बात कैसे बता सकते हैं कि उसके कितने जीरोस होंगे? अगर ये पॉलिनोमियल पी एक्स का है, यानी कि वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है, पी एक्स, तो हम ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है, कितनी बार इंटरसेक्ट करता है. आपको पता है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस. फर्स्ट पार्ट में ग्राफ के अंदर ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के एक भी जीरोस नहीं होंगे, यानी कि इसमें कितने जीरोस हो जाएंगे, निल, जीरो. उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हम ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने हो जाएंगे, 1. फिर बात करें अगर थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा है. आप ये देख सकते हो कि 1, 2 और 3, 3 बार ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3. फिर बात करें अगर हम फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में ये जो कर्व है वो x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे. फिफ्थ पार्ट में जो कर्व है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 1, 2, 3
एंड 4, यानी कि 4 टाइम्स वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स उसके नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। फिर बात करें अगर हम 6 पार्ट की, तो 6 पार्ट में ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 1, 2 एंड 3। तो 3 बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे। हमें वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन नहीं देखना है, जो इंटरसेक्शन है वो हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म का है, पी एक्स, यानी कि वो एक्स वेरिएबल वाला एक पॉलिनोमियल है। तो बस एक यही सम था एक्सरसाइज 2.1 में, जहाँ पर हमें ग्राफ को देखकर बताना था कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिनकी डिग्रीज 2 होती है। अगर उनकी डिग्रीज 2 होगी, यानी कि उसके 2 जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं, और उस पॉलिनोमियल के कोफिशेंट्स में क्या रिलेशन होगा, सबसे पहले उस रिलेशन को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम यहां पर लेट करते हैं कि इफ अल्फा, ये अल्फा है एंड बीटा, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम जनरल में लिखें तो वो इसी तरीके से लिखा जाएगा। वहां पर 3 टर्म होगी, जहां फर्स्ट टर्म में एक्स का स्क्वायर होगा, सेकेंड टर्म में x की 1 पावर होगी, और थर्ड में एक कांस्टेंट टर्म हमें मिलेगी। तो अगर हम ये मानकर चलें कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, जिनमें से एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, ये जो अल्फा और बीटा हैं ये ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर हम इस अल्फा और बीटा को मानकर चल रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो यहाँ पर दो तरह की रिलेशनशिप हम देखते हैं। सबसे पहले है सम ऑफ जीरोस, यानी कि जो 2 जीरोस हमने फाइंड किए हैं उनका सम, जैसे कि अगर 2 जीरोस हमारे पास हैं अल्फा और बीटा, तो जो उनका सम होगा मींस अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होगा। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, यानी कि रिलेशनशिप है इनके बीच में, जो इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए के, यानी कि उन दोनों जीरोस का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी, यानी कि एक्स का कोफिशेंट जो हमने यहां पर लिख दिया है, डिवाइड बाय ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट। तो जो 2 जीरोस का सम होगा वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, जहां पर बी है एक्स का कोफिशेंट और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट। इसके बाद एक रिलेशन इसमें आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अब हमें उन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, तो जो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के, जहां पर सी है कांस्टेंट टर्म और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट। तो ये 2 फॉर्मूले, ये 2 रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, जिनको हम एक्सरसाइज 2.2 में यूज भी करेंगे। एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट सम, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशेंट, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए होंगे और हमें उनके जीरोस को फाइंड आउट करना है, और जीरोस को फाइंड आउट करने के बाद जो अभी रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी जीरोस और कोफिशेंट के बीच में, उस रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है, ये हम 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये टॉपिक हमारा 8th क्लास में भी था, ये 9th क्लास में भी था, और अब ये फिर से रिपीट हो रहा है 10th क्लास में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मिडिल टर्म होगी, जो बीच वाली टर्म होगी, हम उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे। लेकिन ब्रेक करने के लिए कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना होगा, तो यहाँ पर हम 2 नंबर खुद से कंसिडर करते हैं, और वो 2 नंबर कंसिडर क्या करने होंगे, कि वो दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर ये मिडिल टर्म के इक्वल कोई नंबर आ जाए, यानी कि माइनस 2 आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि उनका प्रोडक्ट करने के बाद, हमारे पास माइनस 8 आना चाहिए।
तो अब हमारे पास क्या टारगेट है कि हमें कोई दो नंबर इस तरह से कंसिडर करने हैं जिनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तब तो हमारे पास नंबर आ जाए माइनस टू, और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नंबर आ जाए माइनस एट। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे? वो नंबर होंगे टू और माइनस फोर। ये हमें खुद से कंसिडर करने होते हैं। आप ये देख सकते हो कि टू में से फोर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस टू आता है, और टू को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस एट आता है। तो ये जो 2 और माइनस फोर है ये हमें किसकी जगह पर लिखने होंगे? ये हमें उस मिडिल टर्म, उस बीच वाली टर्म की जगह पर लिखने होंगे। इसीलिए इस मेथड का नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, लास्ट टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन जो हमारे पास सेकेंड टर्म थी, जो मिडिल टर्म थी माइनस टू एक्स, उस मिडिल टर्म की जगह पर हमने लिखा है टू एक्स माइनस फोर एक्स। ये 2x माइनस 4x ये नंबर कहां से आए हैं? ये अभी मैंने आपको बताया था। अब यहां पर इस तरह से हमारे पास इस पॉलिनोमियल में टोटल चार टर्म हो गई हैं। तो हमें पहली दो टर्म का पेयर बनाना होगा और लास्ट वाली दो टर्म का पेयर बनाना होगा। अब पहली जो दो टर्म है x स्क्वायर प्लस 2x, वहां से हम कॉमन ले सकते हैं x को, और वहां से x को कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म बच जाएंगी x प्लस 2। और अब जो हमारे पास सेकंड पेयर था उसमें से भी हमें इस तरह से कोई नंबर कॉमन लेना होगा कि वहां पर भी ये x प्लस टू ही बचे। तो लास्ट के दो टर्म्स में से यानी कि 4x माइनस एट में से हम कॉमन लेंगे माइनस फोर को। तो इस तरह से लास्ट के दो टर्म्स में से अगर हम माइनस फोर को कॉमन लेते हैं तो भी हमारे पास ये x प्लस टू ही बच जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा टारगेट यहाँ पर होता है कि जो दोनों ब्रैकेट निकल कर आए वो दोनों सेम हो, उनके अंदर जो टर्म्स लिखी गई हैं वो बिल्कुल सेम टर्म्स होने चाहिए। अब अगर हम यहाँ से इस x प्लस टू को कॉमन लिख दें यानी कि उसको बाहर लिख दें तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म बचेंगी? एक तो x जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया, एक बचेगा माइनस फोर जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से दो ब्रैकेट हमारे पास आ जाएंगे x प्लस टू एंड x माइनस फोर। अब इसमें से जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में यही तो कहा गया था कि जीरोस को फाइंड आउट करना है, तो जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम x प्लस टू को भी जीरो के इक्वल रखेंगे और x माइनस फोर को भी जीरो के इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आती है माइनस टू, क्योंकि इस टू को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है 4, क्योंकि यहाँ इस माइनस फोर को भी हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो इस तरह से x की दो वैल्यू हमारे पास है माइनस टू एंड 4, और ये दोनों वैल्यूज इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं। यानी कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो बन जाएगी। तो ये इस तरह से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें इसी सम में करनी होगी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किस चीज की? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, उसके बाद उसके दोनों जीरोस को लिख दिया एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एंड फोर। और दो तरह की रिलेशनशिप हमारे पास होती है, एक तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इनटू बीटा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिलेशन है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो माइनस है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद बी। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशेंट। तो आप यहां देख सकते हो पॉलिनोमियल में एक्स का जो कोफिशेंट है वो है माइनस टू, तो हमने यहां पर ब्रैकेट में माइनस टू को लिख दिया। फिर उसके डिवाइड में हमें लिखना होता है ए को। ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट। तो क्योंकि पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, उसके आगे कोई कोफिशेंट नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पर हम कोफिशेंट मान सकते हैं वन। अब 2 के आगे दो बार माइनस लगा हुआ है जिस वजह से वो क्या हो जाएगा? प्लस 2। और डिवाइड में हम 1 को लिखें या ना लिखें उससे कोई चेंजेस नहीं आते। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों जीरोस का जो सम होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा? वो 2 होगा।
अगर हम इसको खुद से वेरीफाई करें, यानी कि जो दो जीरोज हमारे पास आए थे अगर हम खुद से उनका सम फाइंड करके देखें, तो माइनस टू प्लस फोर करने पर, यानी कि माइनस टू और फोर को ऐड करने के बाद भी जो नंबर है वो क्या मिलता है, टू। तो इस तरह से फॉर्मूले का यूज करने के बाद भी और जब हमने खुद से उनको ऐड किया तो दोनों बार हमें सेम आंसर मिलता है जो कि है टू। अब इसके बाद इसकी सेकंड रिलेशनशिप यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, जिसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था C अपॉन A, जहां पर C का मतलब होता है कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है माइनस एट, तो उसको हमने यहां पर लिख दिया। एंड A का मतलब होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है वन। अब माइनस एट डिवाइड बाय वन को सिर्फ माइनस एट हम लिखेंगे और खुद से अगर हम इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करें, यानी कि अगर इनको हम मल्टीप्लाई करके देखें, तो माइनस टू को फोर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी माइनस एट ही आता है। तो इस तरह से यहां पर भी दोनों बार हमें सेम आंसर मिला है, यानी कि जो दो जीरोस हमने फाइंड किए थे माइनस टू एंड फोर वो बिल्कुल सही है। सेकेंड पार्ट, फोर एस स्क्वेयर माइनस फोर एस प्लस वन। यहां पर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो है s। तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का मेथड यूज करके फैक्टराइज कर लेते हैं और इसके दो जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, यहां पर भी कोई दो नंबर हमें कंसीडर करने होंगे, ऐसे वो दो नंबर होने चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस फोर आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी कि उनका प्रोडक्ट अगर करें, तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, उनका प्रोडक्ट 4 और 1 के प्रोडक्ट के इक्वल, और 4 और 1 का प्रोडक्ट क्या होता है, 4 ही होता है। यानी कि ऐसे कोई दो नंबर हमें कंसिडर करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस फोर आए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4 आ जाए। तो ऐसे नंबर होते हैं माइनस टू एंड माइनस टू, कि अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें माइनस फोर मिल जाएगा और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्लस का 4 मिल जाएगा। और ये जो दोनों नंबर हमने कंसिडर किए हैं माइनस टू एंड माइनस टू, ये हमें कहाँ पर लिखने होंगे, उस मिडिल टर्म के जगह पर, यानी कि हमें उसी को स्प्लिट करना होगा, उसी को ब्रेक करना होगा। तो आप यहाँ सोल्यूशन में देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म एज इट इज हमने लिखी है, लास्ट टर्म एज इट इज हमने लिखी है, लेकिन जो मिडिल टर्म थी माइनस फोर एस उसकी जगह पर हमने लिख दिया है माइनस टू एस माइनस टू एस। अब इस तरह से हमारे पास इस पॉलिनोमियल में टोटल चार टर्म हो गई हैं, जिनमें से फर्स्ट और सेकंड टर्म का एक पेयर हमें बनाना है, थर्ड और फोर्थ टर्म का एक पेयर हमें बनाना है। तो फर्स्ट पेयर यानी कि फोर एस स्क्वेयर माइनस टू एस में से हम कॉमन ले सकते हैं टू एस को, और 2s को कॉमन लेने के बाद यहां पर टर्म बचेंगी ब्रैकेट के अंदर 2s माइनस वन। इसी तरह से जो सेकंड पेयर हमारे पास था माइनस टू एस प्लस वन, यहां से भी कोई एक ऐसा नंबर हमें कॉमन लेना होगा कि ब्रैकेट के अंदर 2s माइनस वन ही बन जाए। तो इसके लिए हम यहां से कॉमन लेंगे माइनस वन को। अब इसके बाद 2s माइनस वन को अगर हम यहां से कॉमन लेकर बाहर लिख दें तो बाकी के टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी बचेंगी, 2s जो हमने यहां पर लिख दिया और माइनस वन जो हमने यहां पर लिख दिया। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म हमारे पास आ गई हैं 2s माइनस वन 2s माइनस वन। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को ही वन बाय वन हम जीरो के इक्वल लिख देंगे फर्स्ट। तो अब हमारे पास यहां से s की वैल्यू आती है वन बाय टू, क्योंकि हम सबसे पहले इस माइनस वन को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद टू को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे और हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू। और यहाँ पर दूसरी वैल्यू भी जो एस की है वो भी वन बाय टू ही आती है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के जो दोनों जीरोज हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम करेंगे इसमें वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को लिख दिया है और उसके बाद उसके दोनों जीरोस को लिख दिया है। अब जो इनका फर्स्ट रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो माइनस है वो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद बी, बी का मतलब है कि इस एस का कोफिशेंट जो कि है माइनस फोर, तो उस माइनस फोर को हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद डिवाइड में हमें लिखना है ए, ए का मतलब होता है एस स्क्वायर का कोफिशेंट जो कि यहां पर दिया गया है फोर, तो डिवाइड में हमने यहां पर लिख दिया है फोर को। अब इस फोर के आगे दो बार माइनस होने की वजह से ये प्लस में हो जाएगा
और डिवाइड में भी 4 होने की वजह से 4/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब खुद से अगर हम इन दोनों जीरोस को ऐड करके देखें, 1/2 + 1/2, तो इनका भी जो सम है वो 1 ही होगा। और दूसरा जो रिलेशनशिप इनके बीच में होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C/A। सी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म जो कि इस पॉलिनोमियल में है 1, और ए यानी कि एस स्क्वायर का कोफिशेंट। तो अब अगर हम खुद से उन दोनों जीरोज यानी कि 1/2 1/2 को मल्टीप्लाई करके देखें तो भी उनका प्रोडक्ट 1/4 ही आ रहा है। तो इस तरह से दोनों बार ये सेम वैल्यू हमें मिली, यानी कि इस सम में जो जीरोज हमने फाइंड आउट किए हैं वो दोनों बिल्कुल सही हैं। थर्ड पार्ट, यहां पर पॉलिनोमियल दिया गया है 6x²-3-7x। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हमें ठीक से अरेंज करके लिखना होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो टर्म्स हम लिखते हैं वो x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो 6x² है वो एज इट इज हमने लिखा है, और उसके बाद हमें टर्म वो लिखनी होगी जिसके अंदर x की पावर 1 है, यानी कि अब हम सेकेंड नंबर पर लिखेंगे -7x को, एंड देन लास्ट में हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म यानी कि -3 को। अब ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसके लिए हमें कोई दो नंबर खुद से कंसिडर करने हैं, और वो दोनों नंबर ऐसे हमें अपनी तरफ से सोचने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास आंसर आ जाए -7, और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाए जो कि 6 और -3 को मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो 6 और -3 को मल्टीप्लाई करने पर आता है -18, यानी कि ऐसे कोई दो नंबर हमें सोचने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -18 आ जाए। तो इस तरह के नंबर होते हैं 2 और -9। हमें पता है कि अगर हम 2 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा, और अगर हम 2 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -18 आ जाएगा। तो ये जो नंबर 2 और -9 है ये हमें लिखने हैं इस मिडिल टर्म की जगह पर, 2x-9x। तो इस तरह से यहां पर टोटल 4 टर्म हो गई हैं, जिनमें से हमें फर्स्ट 2 टर्म्स का एक पेयर बनाना है और लास्ट की 2 टर्म्स का एक पेयर बनाना है। और फर्स्ट पेयर में से हम यहां पर कॉमन ले सकते हैं 2x को, और 2x को कॉमन लेने के बाद यहां पर टर्म्स हमारी आएंगी 3x+1। अब सेकंड पेयर में से भी इसी तरह से कोई एक टर्म हमें कॉमन लेनी है कि वहां पर भी ब्रैकेट के अंदर 3x+1 ही बन जाए। तो -9x-3 में से हम कॉमन ले सकते हैं -3 को, और -3 को कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा 3x+1। अब इसके बाद हम 3x+1 को कॉमन लेंगे, और यहां पर हमारी टर्म्स बनती हैं 2x जिसको हमने यहां पर लिख दिया, और -3 जिसको हमने यहां पर लिख दिया। तो अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x की निकल कर आती है -1/3, क्योंकि हम पहले इस 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे ये माइनस में चला जाएगा, और फिर 3 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे ये वहां पर डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरह से x की दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है 3/2, तो -1/3 और 3/2 ये दोनों इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल को और उसके दोनों जीरोस को लिख दिया है, और पहला जो रिलेशन है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला है -b/a, तो ये माइनस का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद b यानी कि x का कोफिशेंट जो होता है -7 वो हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर डिवाइड में a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशेंट जो कि होता है 6 वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो 7 के आगे क्योंकि दो बार माइनस था इसलिए वो बन जाएगा प्लस 7/6, और खुद से अगर हम इन दोनों जीरोस को ऐड करें यानी कि -1/3 + 3/2, तो एलसीएम लेने के बाद इनको ऐड करने पर भी हमें आंसर मिलता है 7/6। तो इस तरह से दोनों बार हमें सेम आंसर मिला है 7/6। और दूसरा रिलेशन इनके बीच में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था C/A। सी यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है -3, एंड ए यानी कि x² का कोफिशियंट जो कि है 6।
तो माइनस थ्री बाय सिक्स को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है माइनस वन बाय टू, और खुद से अगर हम इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करें माइनस वन बाय थ्री एंड थ्री बाय टू, तो थ्री से थ्री डिवाइड होने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा माइनस वन बाय टू। तो इस तरह से यहाँ भी दोनों बार हमें सेम आंसर मिला है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जीरोज हैं वो सही हैं। तो इसी एक्सरसाइज के जो बाकी के सम हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।